हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी टिकटॉक में। आज का जो वीडियो होने वाला है डेटा एंट्री के ऊपर होने वाला है। जिन लोगों को भी डेटा एंट्री का जॉब करना है उनको सबसे पहले ये काम करना है, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कर लेना है, क्योंकि आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है। यहाँ पे एक नई वेबसाइट के बारे में आपको बताऊँगा जहाँ पर आप डेटा एंट्री करके महीने का 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन सबको बता दूँ कि इस वेबसाइट पे आपको फ्री कॉस्ट में साइन अप करना है, आपको 1 भी रुपये नहीं देने हैं किसी भी तरह का अकाउंट बनाने के लिए। और ये जो वर्क है वर्ल्ड वाइड है, दुनिया के आप किसी भी कोने में बैठे हों आप डेटा एंट्री करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे आप इस वेबसाइट पर डेटा एंट्री करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है वो है Verbit.ai। इस वेबसाइट पे आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको वार्निंग दे दूँ कि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, कि बहुत सारी ऐसी डिटेल्स में बताऊँगा कि कैसे आप इस वेबसाइट पे डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्ट होंगे, कुछ क्विज होंगे जिसे मैं पास करके आपको दिखाऊंगा, आप भी पास कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा कैसे आप इस वेबसाइट पे डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा वेबसाइट है Verbit.ai। इस वेबसाइट को आप सर्च कर लेना है, नहीं तो Verbit लिख के गूगल पे आप सर्च कर लेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ज्वाइन एज ए ट्रांसक्राइबर, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर एज अ ट्रांसक्राइबर का ऑप्शन है, बिकम ए ट्रांसक्राइबर नाउ। आपको पढ़ लेना है ये क्या है, VR an AI बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन कंपनी दैट कम्बाइंस टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन एडिटिंग। यहाँ पे ये एक ट्रांसक्रिप्शन कंपनी है जो ह्यूमन एडिटिंग के द्वारा ट्रांसक्राइब का वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर हेब्रू ट्रांसक्रिप्शन, फॉर अरबिक ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप इन सब लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे है प्लीज शेयर ए लिंक टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आपके पास अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब नीचे लिखा रहा है व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज तो ये हो गया कि आप किस लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन का वर्क करना चाहते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है, वो बोल नहीं सकते लेकिन उनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आता है, सुनना आता है, तो आपको जो भी इंग्लिश में बोला जाएगा, जैसे कि आपको 1 मिनट का ऑडियो फाइल दिया गया है, एक इंसान उसमें बातें कर रहा है, वही बातें सुन के आपको टाइप करना है, सीधा सा ट्रांसक्राइब का काम यही होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है डू यू हैव एक्सपीरियंस इन ट्रांसक्राइबिंग, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट अस, यहाँ पे आपको बताना है आप इनके वेबसाइट पे कैसे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स टाइप कर दूंगा कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। ये सब करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा, बिकम ए ट्रांसक्राइबर टुडे, थैंक फॉर सबमिटिंग, प्लीज चेक योर ईमेल, ए लिंक टू द टेस्ट विल बी सेंड टू यू सून। आपके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक भेजा जाएगा जो एक टेस्ट लिंक होगा, मतलब आपको उस टेस्ट को पास करना होगा। जैसे ही आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं आप यहाँ पे Verbit पे एज अ ट्रांसक्राइबर आपके अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मैं डिटेल्स बता दूँ, जैसे कि अगर हम Verbit की बात करें, जो बाकी ट्रांसक्रिप्शन कंपनी है जैसे रेव हो गया और बाकी सब हो गया, वहाँ की ऑडियो क्वालिटी प्लस Verbit के ऑडियो क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। Verbit का जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनके पास ज़्यादातर जो ट्रांसक्राइब के लिए वर्क आते हैं एकदम क्लियर आपको वॉइस सुनाई देगा, आप क्लियर उसको टाइप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि Verbit पे आप अपने हिसाब से फाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे लिस्ट रहेंगे कि आपको उनमें से चुनना है कि आप किस ऑडियो पे ट्रांसक्राइब का वर्क करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि हमें कितना रुपये मिलेगा प्लस हमें कैसे पेमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रेट की बात करूँ तो पर मिनट ऑडियो के हिसाब से आपको $1 से लेके $3.5 आपको मिलेगा पर मिनट। अब 1 to 3.5 में बता दूँ, जैसे 1 मिनट का ऑडियो है थोड़ा वो हार्ड है, जो इंसान बोल रहा है बहुत फास्ट बोल रहा है, थोड़ा सा ट्रांसक्राइब करने में उसमें आपको ज़्यादा मेहनत पड़ सकता है,
तो उस ऑडियो का रेट $2 भी हो सकता है, $3 भी हो सकता है। एक इस टाइप का भी आपके पास ऑडियो टेस्ट आ सकता है जिस पे बहुत ही आसान तरीके से कोई भी सुन के, एक बच्चा भी सुन के टाइप कर सके, उस ऑडियो पे आपको $1 मिल सकता है। तो ऐसे ही रेट फिक्स होता है। तो यहाँ पे बात हो गई कि कितना कमा सकते हैं पर मिनट के ऑडियो पे। अब हम बात करेंगे कैसे आप पेमेंट ले सकते हैं। वर्बिट पे जब भी कोई आप काम करते हैं तो अपने कमाए हुए पैसे आप अपने पेपाल अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ठीक आधे घंटे के बाद मुझे मेल आ जाता है, डियर कैंडिडेट थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विथ verbit.ai। अब यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया है स्टार्ट द ट्रेनिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपको कुछ टेस्ट पास करने हैं। कैसे पास करना है सब मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट द ट्रेनिंग पे मैं क्लिक करूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे वर्बिट ट्रेनिंग है, यहाँ पे लिखा गया वेलकम टू द ट्रेनिंग अकेडमी, ट्यूटोरियल वीडियोस है, आफ्टर वॉचिंग ईच वीडियो देयर विल बी ए स्मॉल क्विज, वंस यू पास द ट्यूटोरियल क्विज यू विल बी एबल टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिया जा रहा है, उस वीडियो को पूरा देख लेना है, और यहाँ पे गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। तो अगर आप एक बार गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं 5 या 10 मिनट टाइम देके, आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 चीज करना है। पहला क्या है, इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वर्बिट के बारे में, कैसे काम करना है, इसके बारे में देख लेना है। फिर दूसरा क्या है, क्विज है। क्विज में क्या है मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे स्टार्ट द ट्रेनिंग पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने जो भी वीडियो है उसको प्ले करना होगा। यहाँ पे मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा, हो सकता है मुझे कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा दूंगा। ये वीडियो प्ले हो गया, तो ये लगभग 3 मिनट का वीडियो है, इसको आपको पूरा देख लेना है। वीडियो देखने के बाद हम यहाँ पे क्विज पे आएंगे। क्विज पे क्या है, यहाँ पे जो बेसिक ग्रामर हो गया है, बेसिक ग्रामर से रिलेटेड क्विज आंसर है, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला है, इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी टेल टू कॉल बैक लेटर, यहाँ पे जो यहाँ पे गैप है इसमें आपको सही वर्ड फिल करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक ग्रामर है, जैसे इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी टेल देम टू कॉल बैक लेटर, तो यहाँ पे टेल देम है। इसी तरीके से बाकी भी जो क्विज के आंसर हैं उन्हें आपको परफेक्ट तरीके से फिल कर लेना है। तो अगर आपके पास सेम क्वेश्चन आ रहे हैं क्विज के, तो आप सेम आंसर दे दीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से आंसर फिल कीजिए, या फिर आपके घर में कोई जो एक्सपर्ट हो ग्रामर का उसको बुला लीजिए अपने बगल में। देखिए, जब भी आपके पास मेल आता है ट्रेनिंग का, तो जो भी ग्रामर का परफेक्ट बंदा है उसको अपने बगल में बैठा लीजिए, वो आपका हेल्प कर सकता है। वैसे ये बहुत बेसिक ग्रामर है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे मेरे पास क्विज है मैं उसे फिल करता जाऊंगा, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सारे क्विज के आंसर है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पे जो सबमिट का बटन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ गया यू पास द क्विज, कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास द क्विज, योर स्कोर 90, यू कैन कंटिन्यू टू द लीगल ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। अब जो दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप था वीडियो देखना, दूसरा स्टेप था क्विज का आंसर देना। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया, लेकिन मेरा एक आंसर गलत हो गया था। तो इसमें अगर आपका 90% भी स्कोर सही है तो आप क्विज पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक आंसर गलत था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो मेरे मार्क्स आए हैं 90 आए हैं, फिर भी मैंने ये क्विज पास कर लिया है। तो अब मैं स्टार्ट द टेस्ट बटन पे क्लिक करूंगा। अब ये जो आपका ऑप्शन है ये लास्ट टेस्ट है, ये आपका ऑडियो टेस्ट होने वाला है। ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस ओपन करूंगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पे कैपिटलाइज है, अगर कहीं पे जरूरत है कैपिटलाइज का तो उसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। पंक्चुएट जहाँ पे है, जहाँ पे सेंटेंस मेक सेंस, मतलब कुछ जैसे सेंटेंस वो बोला जा रहा है लेकिन सही से नहीं बोला जा रहा है, जो कि आपको सुन के समझ के सही करना है। बाकी रिसर्च करना है, बाकी अगर आपके ऑडियो में, जैसे आपके पास कोई ऑडियो आया
उसमें बोला जा रहा है जैसे, सो या हाई एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अर्थ मिस्टर मॉर्गन, बट आई गेस लाइक ओ या कैन कॉल मी अर्थर, एंड सो फॉर द नेक्स्ट जो बीच में ये सब है ये आपको कट करना पड़ेगा, इसे क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बहुत लोग बोलते हैं तो बोलते बोलते हाँ ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं, तो ये एक गलत तरीका माना जाता है कोई भी ऑडियो के लिए। तो उन सब चीज़ों को आपको टाइप नहीं करना है, अगर आपके पास टाइप किया हुआ फाइल आ गया है तो उसको कट करना है। पहला देख रहे हैं और नीचे देखे, हाई एवरीबॉडी माई नेम इज़ मिस्टर मॉर्गन बट यू कैन कॉल मी ऑर्थर, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जो बीच में आ और हम का साउंड है वो आपको हटा देना है, या फिर टेक्स्ट में रिटन है उसको भी आपको हटा देना है। बाकी जो गाइडलाइंस है बेसिक है ये आपको पढ़ लेना है। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताया है जो कि आपके ग्रामर को अगर कहीं गलत है वो सही कर देता है। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं फाइनल पे, जो हमारा ऑडियो टेस्ट है इसको हमको कैसे पास करना है ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन पास करने से पहले यहाँ पे जो टूल्स है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे आप टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, 5 सेकंड बैक। यहाँ पे स्पीड है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑडियो फाइल कोई आई है बहुत स्पीड में बोला जा रहा है तब आप उसका स्पीड स्लो कर सकते हैं, या फिर बहुत स्लो बोला जा रहा है तब आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, साउंड अप डाउन कर सकते हैं, बाकी सेटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे कि अब कैसे आपको ट्रांसक्राइब करना है। यहाँ पे जहाँ पे आप क्लिक करके प्ले बटन दबाएंगे वहाँ से ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ऑडियो प्ले करता हूँ, सुनिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे टेस्ट को पास करना है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप टैप कर करके एक एक वर्ड का ट्रांसक्राइब पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं आप प्ले कर दीजिए, बाकी वर्ड चलता रहेगा उस पर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको टेस्ट पास करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक एक सेंटेंस या फिर एक एक वर्ड को प्ले करके सुनिए कि वो सही बोला जा रहा है कि नहीं। From the top, for yourself, Belron International. अब यहाँ पे देखिए गलती पकड़ी गई कि Belron International है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है Belronia Ron International, यहाँ पे गलत वर्डिंग हुई है। तो जो हमारा ऑडियो फाइल है इसमें सीधा सीधा Belron International बोला जा रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, आपको Belron International ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो Belronia Ron है इसको मैं Belron कर दूंगा, ठीक है। इसको सही करके वापस से मैं प्ले करता हूँ। अब आप यहाँ पे सुनिए, Belron International is wrong. देखिए यहाँ पे अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे आपको सेम यही करना है, आपको सही से ऑडियो फाइल सुनना है और आपको ये देखना है कहीं कोई वर्ड मिस नहीं हुआ है या फिर कहीं कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आ गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और भी ट्रांसक्राइब करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फुल ट्रांसक्राइब करूँगा तो ये वीडियो एक घंटे आधे घंटे का बन जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कैसे करना है ये आपको बता दे रहा हूँ, तो बाकी भी डिट्टो आपको वही फॉलो करना है। 100 plus year old company providing services for one thing, generally one thing only. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोला गया जनरली वन थिंग ओनली, यहाँ पे जनरली लिखा हुआ है, ये गलत वर्ड है। यहाँ पे जनरली बोला गया है तो जो इंग्लिश में जनरली होता है वही यहाँ पे आपको लिखना है, इसको हम सही करेंगे, ठीक है। अब ये सही है, अब यहाँ पे ये सही हो गया, वापस से सुनिए, हाँ ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे सेम आपको आगे सुनते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड, अब यहाँ पे लिखा है एंड दीज आर कॉर्पोरेट न्यूज, यहाँ पे एंड ये डीज जो है ये गलत है, यहाँ पे दीज होगा। तो सब इसी तरीके से आपको सही करना है, और प्लीज और यहाँ पे एंड दीज आर कॉर्पोरेट्स बोला जा रहा है, और यहाँ पे आपको एंड भी लिखना पड़ेगा और दीज भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड दीज कॉर्पोरेट न्यूज, ठीक इसी तरीके से आपको सही करते जाना होगा। तो ठीक इसी तरीके से आपको पूरा ट्रांसक्राइब को अच्छे से करना है जो भी है, प्लस आपको वापस से सुनना है। अब आपको लगता है कि आपने जो ऑडियो में बोला गया है वही डिट्टो आपने यहाँ पे चेक कर लिया है, डिट्टो यहाँ पे सारे वर्डिंग है, तब आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, वो चेक करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पे क्विज पास कर लिया, अब ये जो मेन आपका लास्ट थर्ड है ट्रांसक्राइब टेस्ट भी पास कर लिया, आपका अकाउंट तुरंत अप्रूव कर दिया जाता है चेक करने के बाद। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको टेस्ट भी पास करना होगा, कैसे पास करना है इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है, क्विज कैसे पास करना है, प्लस ये ऑडियो का जो ट्रांसक्राइब टेस्ट है इसको कैसे पास करना है, सब कुछ मैंने एक फ्लो में बता दिया है।
अब आपको लगता है कि ये भी आपको नहीं करना है, टेस्ट ही नहीं पास करना है, तब मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो जॉब है आप किसी ऐसे इंसान को बता दीजिए जिनको डेटा एंट्री काम करना है, क्योंकि ये जेन्युइन है, आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये जॉब नहीं करना है लेकिन आप किसी और को रिकमेंड जरूर कीजिएगा, ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत है ऑनलाइन जॉब करने की, डेटा एंट्री की और पैसे कमाने, क्योंकि आज के टाइम में पैसे की बहुत ज़रूरत है, किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेना है, किसी को इलाज कराना है, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। और आज के टाइम में जितनी भी फॉरेन की कंपनी है, अच्छा अच्छा ट्रांसक्राइब वेबसाइट है जहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं घर बैठ के बस ट्रांसक्राइब करके। तो आप भी पीछे क्यों हैं, आइए इस वेबसाइट पे आप भी डेटा एंट्री का जॉब कीजिए और घर बैठे महीने का 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक का कमाइए।